रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता हेलो दोस्तों मेरा नाम है नवदीप आप देख रहे हैं अपडेट विद नब्बू शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है खास जो बी एस सी नर्सिंग वाले हो पोस्ट बी एस सी नर्सिंग वाले हो एम एस सी नर्सिंग वाले हो या ए एन एम और जी एन एम वाले हो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी काउंसिलिंग के कितने राउंड होते हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है पिछले ईयर की कि कितने रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले सिर्फ यहाँ पे हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे क्योंकि सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेज आपकी जितनी भी ज़्यादा रैंक आपको मिल ही जाता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे टोटल काउंसलिंग की लिस्ट तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो टोटल काउंसलिंग की जो यहाँ पे लिस्ट है वो तीन है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और जो बेल आइकन है उसे दबा दिया करो इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैं नए पर डे जो अपडेट लाता हूँ आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो अब कुछ दिनों बाद आपकी काउंसलिंग भी आने वाली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो टो, टो टोटल जो काउंसलिंग होगी आपकी चाहे वो बी एस सी नर्सिंग वाले हो चाहे वो पोस्ट बी एस सी वाले हो ए एन एम वाले स्टूडेंट हो या जे एन एम वे स्टूडेंट है तो आपकी पहले जो होगी आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग होगी फर्स्ट के काउंसलिंग में आपका पहला राउंड होगा पहला राउंड होने के बाद आपका सेकेंड काउंसलिंग होगी फर्स्ट काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया है ऐसे स्टूडेंट अपना सेकेंड काउंसलिंग कराएंगे सेकेंड काउंसलिंग करने के बाद जब आपके दोनों राउंड कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग या सेकेंड काउंसलिंग में क्या मिला है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपना एडमिशन नहीं लिया तो ऐसे स्टूडेंट को एक तीसरा राउंड मिला तीसरा मौका यहाँ पर मिलता है इस राउंड को कहते हैं आप यहाँ पर एम ओ यू एम ओ पी यू पी राउंड कहते हैं ऐसे इसकी जो फीस रहती है यहाँ पे 500 हंड्रेड फीस इसमें जो पात्रता रहती है यहाँ पे आप देख रहे होंगे साफ साफ लिखा है ऐसे समस्त इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने एच एन बी से देहरादून द्वारा आयोजित उत्तराखंड स्त्री नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल मेडिकल नर, नर्सिंग में प्रतिभाग किया है उन्हें ऑनलाइन मोड़ पर एम के लिए प्रतिभाग कर सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने प्रथम पब्लिक द्वितीय चरण काउंसलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समय अंतराल में प्रवेश नहीं किया था उन्हें एम ओ चरण में सीट आवंटन है तो प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका यहाँ पर ज़रूर मिलेगा लेकिन याद रखना यहाँ पर जो उनको काउंसलिंग की जो सीटें भरनी होगी उन्हें अलग से भरनी पड़ेगी जो उन्हें पहले कॉलेज अलॉटेड हुआ होगा हो ना भर के उन्हें दोबारा से यहाँ पे काउंसलिंग करनी होगी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेकिन जब इसकी जो काउंसलिंग आएगी 2022 में तो हम इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाओगी बनाएंगे तो आपको इस घबराने की दिक्कत नहीं है तो आपने अपने माइंड सेट में रखना है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही एडमिशन लेना है अगर फर्स्ट में आपको नहीं मिला है तो सेकंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है उसी टाइम आपको एडमिशन लेना है अगर नहीं ले पाओगे फिर एम राउंड में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जरूरी नहीं कि आपकी सीटें बची ही होगी तो इस चीज़ का ध्यान रखना तो फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कैट टॉप की हम आज सिर्फ़ इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ की बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी मैं अलग से एनएम एन एम और जी वालों के लिए कट ऑफ लाऊंगा तो उन्हें घबराने की दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे स्टेट रैंक यहाँ पे जिनकी जिन भी स्टूडेंट्स के थ्री हंड्रेड फिफ्टी प्लस है जिन भी स्टूडेंट के यहाँ पे ध्यान देना आप ये मत करना कि यहाँ पे थ्री हंड्रेड फिफ्टी ही क्यों लिखा है जिन भी स्टूडेंट के थ्री हंड्रेड फिफ्टी प्लस रैंक है उन स्टूडेंट को मनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन और निश्चिंत रहे उनको जो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर जरूर मिलेगा अगर उनकी कैटेगरी जनरल है ये चीज़ आप ध्यान रखना अब हम यहाँ पर बात करते हैं थ्री हंड्रेड फिफ्टी के बाद जो स्टूडेंट 500 हंड्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं 573 और 647 जो रैंक वाले हैं अगर वो कैटेगरी ओ बी सी वाले हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे इस लड़की की रैंक यहाँ पे छः है और फीमेल कैटेगरी होने के बावजूद इसे ओ बी ओपन मतलब जो जनरल ओ की जो जनरल सीट है इसे यहाँ पर मिली है और इसे जो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी नहीं कि आपकी रैंक इतनी है फिर भी आप इससे थोड़ा कम है या इससे ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है जो आपसे ऊपर वाली रैंक है रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं मतलब जिनकी रैंक कम आई है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो अगर आपकी रैंक थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आपको उनकी सीट मिलेगी ये चीज़ आप ध्यान रखना अब हम यहाँ पे बात करते हैं एससी कैटेगरी वाले एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनना अगर आपकी रैंक छः से लेकर सात सौ पिचहत्तर आठ सौ नौ आठ सौ अड़तीस आठ सौ छियासी आठ सौ उनबे आठ सौ पचानबे और आठ सौ छियानवे तक है और अगर आप एस ओपन और एस सी वुमन भले यहाँ पे दो कैटेगरी होते एक ओपन वाली होते एक वुमन कैटेगरी का होता है है तो आपको मैनी मनी कॉन्ग्रेचुलेसेशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो जो 625 जिसके पिछले बार रैंक थी उसे यहाँ पे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून मिला है सात रैंक वाले को यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा मिला है आठ रैंक वाले को यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल मिला है और आठ रैंक वाले को यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपिश्वर चमोली मिला है और आठ सौ और आठ रैंक वाले को यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टी मिला है तो फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों अब जो नया अपडेट आएगा आपका वो एन वाले स्टूडेंट्स के लिए आएगा तो प्लीज़ वो ऐसा ना सोचे कि उनके लिए मैं यहाँ पे कट ऑफ नहीं दूंगा मैंने आपको दोबारा बता दिया है आपको काउंसलिंग करनी है अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिल पाता है तो आपको फिर भी सेकेंड काउंसलिंग करनी है लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया तो एम यूपी राउंड में जरूरी नहीं कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी रैंक पर पहले पॉइंट है और दूसरा डिपेंड करता है उस कॉलेज में क्या पता है वहाँ कॉलेज की लिस्ट फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में भर गई हो तो मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आपको फर्स्ट काउंसिलिंग में जैसे एडमिशन मिलता है अब एडमिशन ले लेना और सेकेंड काउंसिलिंग में आपको जैसे एडमिशन मिलता है ले लेना कोशिश यही करना कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाए क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम फीस यहाँ पर होती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना अब भी आपकी कोई क्वेरी है काउंसिलिंग के रिगार्डिंग या रैंक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों मेरा चैनल अपडेट विद नक को लाइक शेयर करना मत भूलना मिलते हैं आपको एक और अपडेट के लिए तब तक के लिए थैंक यू